वेलकम टू माय चैनल कुक यम यम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शरीर की कमजोरी को दूर करने वाले गोंद के लड्डू कुछ खास टिप्स एवं ट्रिक्स के साथ। जो टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो गोंद के लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और साथ ही सुबह खाली पेट एक लड्डू खाकर एक गिलास दूध पी लीजिए, तो ये आपकी शरीर की कमजोरी को भी दूर करेंगे। इससे पहले भी गोंद आटा गुड़ लड्डू का एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप रेसिपी देखिएगा, वो भी एनर्जी से भरपूर लड्डू हैं। चलिए आज की ये रेसिपी हम शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम गेहूं का मीडियम पिसा हुआ आटा। मीडियम आटा लेने से लड्डू अच्छे कुरकुरे बनते हैं, और अगर आपके पास मीडियम पिसा हुआ आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल आटा यूज में लेते हैं उसे ले लीजिए। ड्राई कोकोनट है कंप्लीट, जो एक गोला हम मार्केट से लेकर आते हैं उसे कद्दूकस कर लें। घी लगभग 350 ग्राम, इसे हम डायरेक्ट पैन में ही लेंगे। बूरा शुगर 400 ग्राम, 100 ग्राम गोंद, 100 ग्राम बादाम, 8 से 10 काली मिर्च और 7 से 8 लौंग पीपर। इस तरह की जो पीपर आती हैं इसे हम यूज में लेंगे, इससे शरीर में कमजोरी होती है वह दूर होती है। अब एक हम हेवी कढ़ाई में घी लेंगे, ये करीब मैंने 100 ग्राम घी लिया है। घी को हम मीडियम फ्लेम पर मीडियम गर्म होने देंगे। घी जब मीडियम गर्म हो जाए इस वक्त हम फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम के ऊपर ही हमें कंप्लीट गोंद को तलकर तैयार करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें, नहीं तो गोंद कच्चा रह जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे गोंद को हम तलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालते जाएंगे, एक साथ गोंद को हमें नहीं डालना है। लो फ्लेम पर गोंद अच्छे से फूलता है इस तरह से, और कलर भी इसका मेंटेन रहता है। गोंद अगर हम सही तरीके से तलेंगे तो लड्डू अच्छे बनकर तैयार होंगे। जब गोंद इस तरह से अच्छे से फूल जाए, चटकने की आवाज बंद हो जाए, इस वक्त हम गोंद को बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम कंप्लीट गोंद को तलकर तैयार कर लेंगे। कंप्लीट गोंद को मैंने तलकर तैयार कर लिया है। गोंद को इस तरह से धीरे धीरे आप आराम से डीप फ्राई कीजिएगा, तो गोंद का कलर मेंटेन रहता है और गोंद कच्चा भी नहीं रहता है। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा घी अभी कढ़ाई में बचा हुआ है, अगर घी खत्म हो जाए या कम पड़ जाए तो थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। बस इतने से घी में ही हम जो बादाम है इन्हें भी हम भून लेंगे, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने देंगे। जब बादाम का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, इस वक्त इसमें हम पीपर और काली मिर्च ये दोनों भी अच्छे से भून लेंगे। जब बादाम अच्छे से भून जाए, अब इन सबको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बादाम को भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। गोंद तलकर हमने तैयार कर लिया, बादाम भी तलकर हमने तैयार कर ली, ठंडी हो गई है। मिक्सर का छोटा वाला जार लेंगे और बादाम, पीपर और काली मिर्च इन तीनों को हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड किया है मैंने बादाम को, इसे हम गोंद में मिला देंगे, जो गोंद तल के तैयार कर रखा है हमने। चलिए इन्हें अभी हम साइड में रख देंगे। आटा भूनने के लिए यहाँ पर मैंने हेवी कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने लिया है 250 ग्राम घी, इसी में धीरे धीरे करके अब आटा डालेंगे हम, और आटे को हम भूनेंगे। आटे को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, और आटा भूनने के लिए हमें हमेशा भारी कढ़ाई ही यूज में लेनी है, क्योंकि अगर कढ़ाई पतली होगी तो आटा जल्दी से जलने लग जाएगा और लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा।
आटे को लो फ्लेम पर हमें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और आटे से अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती है तब तक हम भूनेंगे। जिस तरह से हम हलवा भूनते हैं उसी तरह से इस आटे को भूनकर हमें तैयार करना है। लो फ्लेम ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज ना करें, नहीं तो आटा जल्दी से जलने लग जाएगा। जैसे जैसे आटे की सिकाई होती जाएगी आटा घी छोड़ता जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। आटे को लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे बराबर आधा घंटा हो चुका है। आटा बहुत अच्छे से भून चुका है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आटे को भूनते हुए हमें फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आटा जल्दी से जल जाएगा और लड्डू का जो टेस्ट हमें चाहिए वो नहीं बनकर तैयार होगा। इसीलिए आप आटा लो फ्लेम पर ही भूनें। इस तरह से भूनने से आटे में खुशबू बहुत अच्छी आती है, लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आटा अच्छे से भून चुका है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें जो गोंद और बादाम हमने मिक्स करके तैयार कर रखे हैं उसे हम डाल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गोंद कच्चा रह जाता है, कहीं भी कमी है गोंद को तलने में, तो आटा अभी गर्म है तो वो कमी इसमें पूरी हो जाएगी। और अगर आपको काली मिर्च और पीपर आप अलग से भी खरल में उसका पाउडर बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब मिश्रण ठंडा हो जाए, हल्का सा ये गुनगुना रहे, इस वक्त इसमें हम मिला देंगे ड्राई कोकोनट जो कद्दूकस करके हमने लिया है, और साथ ही मिला देंगे पूरा शुगर। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा शुगर और कोकोनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू आप छोटा या बड़ा, आपको जैसा पसंद हो उस साइज का आप बना सकते हैं। इस तरह से हाथों को दबाते हुए और घुमाते हुए फटाफट से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, गोंद के लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। रोजाना सुबह खाली पेट एक लड्डू खाकर आप एक ग्लास दूध पीजिए, आपकी शरीर की कमजोरी को ये दूर करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लड्डू बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।